साधुओं का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि उनमें सरलता हो। साधुओं का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि उनमें सरलता हो, और जिस साधु में सरलता होती है उसे लोग एप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। आज ये जमाना है कि एक साधु दूसरे साधु को ज्यादा पसंद नहीं करता, सब अपने अपने घर में बैठे हैं और अपने तरीके से जीते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है, छोटा समुदाय हो या बड़ा समुदाय हो, लेकिन जिसके पास में सरलता होती है तो लोग उसे पसंद करते हैं। इसीलिए दूसरे समुदाय के साधु भी उनकी प्रशंसा करने से कतराते नहीं है। वैसे जल्दी कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता, मतलब निकालने के लिए चापलूसी करेगा लेकिन प्रशंसा नहीं करता। प्रशंसा में और चापलूसी में अंतर है, डिफरेंस है। चापलूसी का मतलब है स्वार्थ सिद्ध करना, प्रशंसा का मतलब है सामने वाले के गुणों को देख करके उसको एप्रिशिएट करना, उसकी प्रशंसा करना, उसके बखान करना। ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो जैसे अंदर है वैसे बाहर दिखाई देते हैं, और इसीलिए ये कई जैन साधुओं के समुदायों में और इसके सिवाय हिंदू समाज में भी लोकप्रिय है। ओजस्वी लोकता तुम्हें सांभ्या ने केवा जबरदस्त जोरदार हृदय ने रोम रोम ने जेने तो विकसित कर देना रा साहित्यम के भक्तों पण तमारा तो हूँ पण तमारो छु आ भक्त पण अपना छे जेता पण बैठा छे ने आपणे बधा ज एमना ज छीए। खूब सुंदर रीते साहब जी कीधु ने कि 5 मिनिट 10 मिनिट 15 मिनिट की पूरेपूरो साहब जी ना एक कला हूँ पोते साहब जी ना प्रवचन में हूँ पोते बेसीश हाँ सकते सांभ एट सरस सुंदर एमने एटली उदारता करी आ प्रसंग पर आप चातुर्मास आयोजक परिवार पर आ समिति पर महान उपकार करो।